थोड़ी सीरियस बात करें आज जरा सी कि आपकी फर्स्ट ईयर में एडमिशन होने के बाद तीन ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको अपने ध्यान में रखनी है जिससे शायद आप अपने 3 साल खराब होने से बचा सकते हो, शायद आप अपने आप को इन 3 सालों के अंदर बेहतर इंसान बना सकते हो। ज़्यादातर लोग को ये बातें नहीं पता होती है जब वो स्टार्टिंग कॉलेज लाइफ में आते हैं, बट 3 साल बाद यही बातें वो किसी और को बता रहे होते हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये बात जो 3 ऐसी चीज़ जो मैंने खुद भी पर्सनली फेस करी है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँ। ये जो भी बात मैं कहूँगा ये प्रैक्टिकल बात होगी। ओके, मैं आपको ये नहीं कहने वाला हूँ कि कॉलेज के स्टार्टिंग डे में आपको नए कपड़े खरीदने चाहिए, शॉपिंग करने चाहिए, फलाना ढिमकाना, नो। सीरियस चीज़ें जो आपको करनी ही चाहिए और अपने दिमाग में रखनी चाहिए, तो वो क्या है वो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखो। एंड सॉरी फॉर दी एको, जो वॉइस काफ़ी गूंज रही है क्योंकि मैं अभी अपने नए घर में शिफ्ट किया हूँ, नए फ्लैट में दिल्ली में, जो मैं आपको बहुत जल्द रिवील करूंगा अपने इंस्टाग्राम पे। तो नीचे लिंक है, वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हो। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह तो आप कर ही दोगे, आई नो। अब बात करते हैं वीडियो की। मेन जो टॉपिक है, सबसे पहली चीज़, अगर आप एक लड़की हो और लड़के तो इस बात को अपने जहन में रखो, जब भी आपको अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जाते हो, जब भी आप एज अ फ्रेशर होते हो, तो स्टार्टिंग के कुछ दिनों में या फिर कुछ दिनों बाद ही सही, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको दबाने की कोशिश करें, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने आप को आपसे सुपीरियर दिखाए, मतलब समझ रहे हो ना, आपके ऊपर धौंस जमाने की कोशिश करें, चाहे कोई लड़की या फिर लड़का। तो प्लीज़ उन लोगों को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने देना। आपके कॉलेज लाइफ में अगर कोई भी दोस्त बनते हैं तो बढ़िया बात है, बहुत अच्छे दोस्त बनाओ, फ्रेंडशिप्स एंड ऑल होनी चाहिए, बट कोई भी दोस्त की इन्फ्लुएंस आपकी ज़िंदगी में इतना नहीं होना चाहिए कि वो आपके उठने बैठने के हर एक चीज़ डिसाइड करे। नो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि नो वन इज़ सुपीरियर देन यू एंड यू आर नॉट सुपीरियर देन एनीवन, ताकि कोई भी कल को आपको जाके कॉलेज में उंगली उठा के ये ना बोले ओ छोटू इधर आ। ये चीज़ें बहुत होती हैं। सीनियर्स तो नहीं करते, ज़्यादातर सीनियर्स रैगिंग वगैरह नहीं करते क्योंकि सीनियर्स इन चीज़ों से उठ चुके हैं, बट हो सकता है कि आपके ही क्लास में कोई बंदा ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करे या फिर कोई लड़की, तो उसे मत करने देना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसे दबा देना इस तरीके से, नहीं, बट उसे ढंग से कहना कि भाई प्लीज़ दूर रहे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है बाद में जाके, जिसे आप कल को जाके किसी और को ना शेयर कर पाओ, इसलिए एज अ ब्रो मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। सेकेंड चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन ज़्यादातर भारत के कॉलेजेस में, जितने भी ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जाम्पल ले लो, तो उनमें पॉलिटिकल पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल, नेतागिरी एंड डिफरेंट डिफरेंट, काफ़ी सारे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के बच्चे होते हैं सारे कॉलेज में। आपके सीनियर्स होंगे जो आपके कॉलेज में एडमिशन लेते ही आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आप उनकी पार्टीज ज्वाइन करो। ओके, बहुत ऐसे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत करो, बट मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको पॉलिटिक्स में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है तो ही करो, अगर आपको पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता है तो मत करो, प्लीज़ रहने दो, बाद में कर लेना थोड़ा रिसर्च करके उसके बाद, बट स्टार्टिंग में सिर्फ आपको वो फेम मिल जाएगा, थोड़ी सी कॉलेज में जान पहचान हो जाएगी लोगों से, आपकी 4 लोग बातें सुनेंगे, इस चीज़ के लिए मत करना। पॉलिटिक्स एक सच्ची में दलदल है और ये चीज़ आपको कॉलेज लाइफ के स्टार्टिंग से ही देखने को मिल जाएगी। काफ़ी अच्छे होते हैं वो लोग जो पॉलिटिक्स वगैरह में जाते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, आपकी बहुत हेल्प भी करेंगे, ऐसा बात नहीं है, बट आप अपने टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, गलत डिसीजन ले लोगे। अगर आपको इस चीज़ का इंटरेस्ट नहीं है तो मत करना, एक टाइम बाद जाके आप सोचोगे कि मैं कहाँ फंस गया, ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो बाद में आप जाके ये गलती ना कर दो स्टार्टिंग में हर बार आके, इसलिए मैं आपको अभी कह रहा हूँ। अभी तो लॉकडाउन है जिसकी वजह से पॉलिटिकली जो भी एक्टिव चीज़ें होती थी वो अब नहीं हो रही है क्योंकि कॉलेजेस वगैरह बंद है, बट जब कॉलेजेस खुलेंगे तो आपको इन्फ्लुएंस फिर से देखने को मिलेंगे, बहुत लोग आपको अप्रोच करेंगे, तो अगेन अगर आपको ज़रा सा भी इंटरेस्ट है तो करो, नहीं है तो ट्राई मत करना, कुछ और चीज़ें ट्राई कर लो, सोसाइटी ज्वाइन करके उसमें टाइम दे के ट्राई कर लो, पॉलिटिक्स में संभल के जाना, एज अ ब्रदर आपको कह रहा हूँ। एंड जो तीसरी, जो कि अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि ज़्यादातर बच्चे ये गलतियाँ करते हैं और मैंने, तुम्हारे भाई ने, खुद ने भी ये गलती करी है अपने कॉलेज लाइफ के स्टार्टिंग डे में। हुआ यूँ कि जब मैं अपने कॉलेज लाइफ के फर्स्ट ईयर में था और जब मैं एज अ फ्रेशर अपने कॉलेज में गया दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, तो वहाँ पे कॉलेज में जाते ही मुझे काफ़ी इन्फीरियर वाली फीलिंग आ रही थी बाकी वहाँ के लोकल लोगों से, क्योंकि मैं इसका रीज़न बताता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, आपके सामने मैं ऑनेस्ट बातें करता हूँ एज अ ब्रो, बहुत लोग के साथ ये होता है और बहुत लोग कनेक्ट भी करेंगे कि मैं जब अपने फर्स्ट ईयर में गया तो उससे पहले जिस शहर से मैं आता था, और मैं जिस शहर से एक्चुअली आता हूँ, वो दिल्ली जितना हाईफाई नहीं है, दिल्ली के कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा दिल्ली जितनी एडवांस है, दिल्ली में जितने ज़्यादा लोग सोशलाइज हो जाते हैं बहुत जल्दी, वहाँ नहीं होते थे। वहाँ पे किसी लड़की से बात करना भी बहुत बड़ी बात होती थी, और मेरे लिए तो स्पेशली कि मैं एक बॉयज़ स्कूल से पढ़ा हूँ जहाँ पे बचपन से मुझे ज़्यादा गर्ल्स इंटरेक्शन नहीं हुई है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा,
तो जिस वजह से मेरी इंटरेक्शन कम थी। अब मैं अपने ही क्लास के लोगों से बहुत ज़्यादा बातें नहीं करता था उस टाइम पे बचपन में, तो मैं अब दूसरे शहर के लोगों से अचानक से कहाँ से बात कर लूँगा। तो स्टार्टिंग में क्लासेस में मुझे काफ़ी इन्फीरियर फील होती थी जो दिल्ली के लोकल लोग होते थे उनसे बात करने में या अदर स्टेट के लोगों से। तो मैं क्या करता था, क्योंकि मैं बिहार से आता था तो मैं अपने साइड के लोगों को खोजता था कि कोई बिहारी दिख जाए, कोई उस साइड का दिख जाए, या मैं बंगाली हूँ तो कोई बंगाली दिख जाए तो मेरे को बात करने में मज़ा आएगा। बट जो अदर कास्ट के लोग होते हैं, जो अदर रीजन से आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह से भारत के, उनसे मुझे बातें करने में स्टार्टिंग में इन्फीरियर फील होता था। टू बी ऑनेस्ट, आपके सामने कह रहा हूँ, मैं तो अपने कॉलेज लाइफ के फर्स्ट ईयर में मेरे सामने मेरे बगल में एक लड़की आके बैठ गई, बोलती है पहले दिन ही कैन आई सिट हियर, तो वो बहुत नॉर्मल सा चीज़ उसने पूछा। बट मेरे दिमाग में चलने लगा कि फट गई मेरी बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुम्हारा भाई वैसे जगह से आया ही नहीं था, क्योंकि एक ऑब्वियस सी बात है बचपन से कभी उस नेचर में नहीं रहा, उतना सोशलाइज नहीं हुआ फिल्म लड़कियों से एंड ऑल कभी भी आज से 3-4 साल पहले, तो अचानक से कोई पूछेगा तो लगेगी फटेगी। बट अब ऐसा सीन नहीं है, डरना मत, ओके कुछ गलत मत समझना, अपसेट है सारी चीज़ें, बट उस टाइम पे नहीं था तो फट गई। तो ज़्यादातर लोग आपने से बहुत लोग ऐसे हैं जो सोशलाइज नहीं होते बहुत लोगों से, तो ये गलत बात है। ये चीज़ मैंने आज समझा कि आप में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो जल्दी किसी से घुलते मिलते नहीं है, बट आपको घुलना मिलना चाहिए, आपको डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोगों से बात करना चाहिए। ज़माना एडवांस हो रहा है तो आपको भी एडवांस होना चाहिए। एक फ़ोन भी अपने आप को अपडेट करता है, तो आप तो पूरी जीती जागती इंसान हो यार, आपको तो करना ही चाहिए ना। That is why I'm saying कि स्टार्टिंग में आप प्लीज़ अपने ग्रुप्स मत क्रिएट करो कि मैं पंजाब से हूँ तो सिर्फ पंजाबी, मैं हरियाणा से हूँ तो मैं हरियाणवी, मैं बिहार से हूँ तो सिर्फ बिहारी लोगों से दोस्ती करूँगा, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, उनको देख के मज़ा आता है कि अरे भाई तू भी बिहार से, अरे भाई तू भी पंजाब से, अरे मिल गए मज़ा आ गया, भाई भाई दोस्ती हो जाती है, बट ये ग्रुप को ही मत कंटिन्यू रखो अपने 3 साल तक, जिससे आपकी कॉलेज लाइफ में, आपकी रियल लाइफ में भी कभी भी कोई डाइवर्सिटी नहीं आएगी। आप हमेशा के लिए कॉलेज के बाद भी, जॉब करते वक्त भी, इन सारे लोगों से जो अदर कास्ट के होते हैं, अदर लोगों से, उनसे इन्फीरियर फील करोगे जो अदर जगह से आते हैं। तो ये गलती मत करना, सोशलाइज होने की कोशिश करना और बहुत ज़्यादा चिपकना मत, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। ओके, ध्यान से, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी दिल से प्रैक्टिकल बातें होने की कोशिश करने की कोशिश की है वो मैंने बता दी। ओके, सो आई लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा।